हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते बिगड़े हालातों का असर सब्जियों के रेटों पर भी दिख रहा है, जिसके चलते सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हालांकि लगातार हो रही डीजल के रेटों में वृद्धि भी इस बढ़ोतरी का एक कारण मानी जा रही है। दूसरी ओर सब्जियां खरीदने आए लोगों में रोष था कि अब सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पहले 500 रुपये में पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती थी, तो आज ये पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। हालांकि इन रेटों में बढ़ोतरी के लिए वे हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश को भी एक कारण मान रहे हैं। सर, सब तो वड्डी मार तो सानू डीजल दी और बरसात दी पै रही है, क्योंकि अज आम जनता वास्ते बहुत मुश्किल हो रहा जी। सानू कई तो कमजोरी मिल रही है जी, असी सब्जी 4 दिन पहले लेना सी, बहुत घट रेट से, अज लेट डबल हो चुके हैं। ये सब तो वड्डी मार जी डीजल दी पै रही है इस जी। ये आम देखो जी, मटर जरा तो बहुत महंगा हो चुका जी, आम जनता तो इन्हों खा ही नहीं सकती। मटर देखो जी, 4 दिन पहला 100 रुपये का सी, अज 200 रुपये 150 रुपये तक हो रहा। गोभी जी 20-25 रुपये सी, अज वो 60 रुपये गोभी बिकन जा रही है। आशुष दिक्का, मैं सब्जी खरीदन आया जी, इतने इतने बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं नी। मैं पहले आया से जी, मटर होगी गोभी होगी, मटर 100 रुपये किलो, 140 रुपये किलो बाजार मिल जाते थे, हूँ 200 होलसेल रेट होया हुआ है, बाजार उदा ही 300 रुपये किलो मिलेंगे। गरीब जनता की खाएगी, तुम दसो हूँ की खाएगी गरीब जनता। राजकुमार जी, हाँ जी हाँ जी, पर चून तो काफ़ी फर्क हैगा, अगर बाजार से आम गली मोहल्ले खरीदते हैं तो काफ़ी फिर भी फर्क हैगा, वा 10 रुपये का फर्क हो जाता गली मोहल्ले इतों जो इतने गर्मी की पहला से उस 40 से हूँ 50 हो गई हैगी है, जो गली लेंदे 60 हो जाती है। ये वजह वा है डीजल तो बरसात ने ज़्यादा मार कर दी है, जो साड़ी समय हैगी है, साड़े भी पिंड खेती हैगी है, बरसात की वजह फसल अद्धी होंगी है, वो भाव बढ़ जाते हैं। मंडी वाला भी कहें मगर माल नहीं आता है, होर तो कुछ नहीं होंगे। घर के बेट तो सारे बेट का फर्क पड़ गया, घर आप बच्चे स्कूल छड़ जाते हैं, उधर भी फर्क पै गया वा, तो उस तो बाद कि अपना एल पी गैस का हो गया, सब्जी का फर्क पै गया 1000 का फर्क पै गया लगभग, जो आप 2000 कमाते खाते 3000 हो गई है। आ तो मोदी चाहिए भी थोड़ा मोटा सैटिंग करे। ठीक है जी।